जय हिंद गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ कि मेरे बनाए गए पिछले पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप उन पर अच्छे से काम कर भी रहे होंगे टुडे आई एम योर एडुकेटर गौरव आधुनिक वेलकम यू इन द ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल स्कूल तो बच्चों हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फोर उसमें रिवीजन का पार्ट वन हमने देखा था और जो कंप्लीट अब रिवीजन बचा है वो अब हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं इसमें हम सेम वही चीज़ें देखेंगे जो हमने पार्ट फाइव में देखी कि कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा होती है ठीक है तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करें सो लेट इट बिगिन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन राइट right? uh, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सेंटर सबसे पहले इस वर्ड को डिसेंट्रलाइज करिए डी ई डी एंड देन सेंटर देन लाइजेशन ठीक है सेंट्रल मीन्स केंद्र इतना आपको पता है सभी को तो डी सेंटर मतलब क्या हुआ कि उस केंद्र को आप, <coughs> उस जो सिंगल पॉइंट जहां आपने सेंटर बनाया उसको आप डिवाइड <coughs> करिए ठीक है यानी उसको डिसेंटर करिए जैसे अब यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक एक पहले पावर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के पास थी एक ही लेवल के पास थी फिर उस पावर को उसने क्या किया दो अलग अलग जगहों पर बांट दिया ठीक है जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लें एग्जांपल की बात करें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अहमदाबाद में ही थी ठीक है तो वो सेंट्रलाइज थी क्योंकि एक ही कंपनी थी अब उसने क्या किया मुनाफा अच्छा होने लगा तो राजकोट और वडोदरा में भी अपनी आ, जो है फैक्ट्री खोल ली तो अब जो क्या हो गया है कि अब पावर जो है वो सिर्फ अहमदाबाद वाला जो ओनर है जो मेन ओनर है वो अपने पास ही रखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्यों क्योंकि वो दिन वो तीनों जगहों पर एक साथ तो कंट्रोल कर नहीं सकता राजकोट बड़ोद्रा अहमदाबाद तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा वहाँ पर कोई एम रखने पड़ेंगे जो उसके बिहाफ़ पर उसका बिजनेस संभालेंगे और कुछ पावर्स उनको देनी पड़ेगी तो ये आप इससे समझ सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अथॉरिटी डिवाइड होती है स्किल्स के हिसाब से राइट right. तो इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या बोलता है जिसमें आपने हेनरी फ्योल की ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि पावर को असाइन करना यानी लोगों को काम देना किसके द्वारा सुपीरियर के द्वारा यानी हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को काम देती है काम बांटती है और बाद में डिसीजंस लेने का हक मिल जाता है उनको ताकि वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सके यानी एग्जांपल हमने अभी देखा जो आ, कि कैसे राजकोट और वडोदरा में वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं राइट इंपॉर्टेंट क्यों है कि जहाँ बड़ी लेवल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है बड़ी लेवल मीन्स बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर काम कर रही हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि आ, जो डिसट्रलाइजेशन है वो ज़रूरी है क्यों क्योंकि डिसीजंस फास्ट लिए जाएंगे नहीं तो क्या होगा हर बार जो होगा वो प्रोसेस के थ्रू जाएंगे टाइम ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट होगा ठीक है तो इसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं क्विक डिसीजन जैसा कि अपने अभी बात की जल्दी डिसीजन ले, ले लिए जाते हैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है समय बचता है लेस वर्कलोड ऑफ़ टॉप यानी जो टॉप लेवल है उसका वर्कलोड कम हो जाता है इंक्रीज इन मोटिवेशन ठीक है अब सिंपल है कि अगर हम किसी को अपनी पावर डेलीगेट कर रहे हैं पावर दे रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है प्रोत्साहन भी उसको मिलता है ठीक है और वो और अच्छे से काम करेगा अगर उसको और अच्छी पावर मिली है तो उसके साथ पॉइंट फोर आपको बोलता है मैनेजमेंट एबिलिटीज़ यानी जो मैनेजमेंट की अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं काम को अच्छे से करना स्किलफुली करना अच्छे से कोऑर्डिनेट करना वो सारी की सारी एबिलिटी भी ग्रो करती है वो हर एम्प्लॉय के अंदर ठीक है हर एम्प्लॉय और अच्छे से काम करता है और अपनी एबिलिटीज़ यानी अपनी स्किल्स को अपनी क्षमताओं को और भी बेहतर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है पाँचवा बात आती है इफ़ेक्टिव कंट्रोल यानी जो टॉप मैनेजर्स हैं वो अपने ऑफिसिस में बैठ के आसानी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लेते हैं जैसा कि हमने अभी बात की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन किया अहमदाबाद का जो ओनर है वो यहीं पर बैठे बैठे राजकोट और जो दूसरा है हमने क्या देखा था वड़ोदरा उस वहाँ के जो ओनर्स हैं उन, उनको उनको कंट्रोल कर सकता है तो कंट्रोल जो होगा बहुत इफेक्टिव हो जाता है तो ये पाँच पॉइंट पाँचवा पॉइंट हो गया आपका छठा और आखिरी पॉइंट आपको बताता है हारमोनी इज़ क्रिएटेड मतलब अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना लोगों के बीच में जिससे लोग आपस में मिलजुल कर काम करें और खुश होकर काम करें तो ये छः पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस है किस चीज़ के ये है डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस ठीक है हमने देखे कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं क्विक डिसीजन जल्दी डिसीजन मेकिंग होता है लेस वर्कलोड है मोटिवेशन uh, इंक्रीज करता है एबिलिटीज बढ़ाता है कंट्रोल अच्छा स्टैब्लिश करता है और रिलेशंस भी अच्छे होते हैं सबसे लिमिटेशन इसका सबसे बड़ा यही है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है ठीक है द प्लेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ रनिंग इन वेरी स्मॉल द बिजनेस सीक्रेट इज़ नॉट इज इज़ टू बी मैंटेन यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर सीक्रेट्स मेंटेन हो जाते हैं बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है वहाँ सीक्रेट्स मेंटेन नहीं हो पाते क्यों नहीं मेंटेन हो पाते क्योंकि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और जब जहाँ ज़्यादा लोग काम करने लग जाते हैं वहाँ सीक्रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है सीक्रेट्स मीन्स कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई मूल मंत्र होता है कोई इंग्रेडिएंट होता है जो वो कभी किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद मार्केट में सब्सटीट्यूट पैदा हो जाएगा तो ये एक प्रॉब्लम है एक लिमिटेशन है किस चीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन का उसके बाद हमने बात की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ठीक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सेम डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कंपनी का होता है ऑर्गेनाइजेशन का होता है वैसे डेलीगेशन होता है पीपल टूप पीपल यानी पर्सन टू पर्सन जैसे कंपनी की पावर बड़ी बड़े लेवल की पावर छोटे लेवल पर दे दी जाती है वैसी जब हायर लेवल ऑफिसर लोअर

अपने पावर का किसको दे रहा है अपने हेल्पर्स को दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है कि भाई ये काम को आपको पूरा करना है ठीक है अब इससे क्या हुआ है सबसे पहली चीज़ कि काम अच्छे से होगा यानी वर्क एफिशिएंट हो जाएगा कैसे क्योंकि पहले एक बंदा उस काम को कर रहा था वो ऑफिसर अब दो लोग कर रहे हैं यानी वो तो कर ही रहा है साथ ही साथ उसका हेल्पर भी उसकी हेल्प करवा रहा है दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय यानी क्या हुआ कि जो दूसरा हेल्पर उसके साथ काम कर रहा है उसकी भी खुद मानसिक विकास होगा क्योंकि अब उसको वो काम मिला है तो वो उस काम के बारे में जानेगा समझेगा ठीक है सो ही कैन ऑल्सो बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस अबाउट दैट जो थर्ड पॉइंट है वो वो बोलता है है मोटिवेशन यानी जो हेल्पर है, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे जिम्मेदारी का काम मिला है मुझे अच्छे से करना है इस काम को तो वो और ज्यादा अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेगा देन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अब स्पेशलाइजेशन जैसा कि हमने पार्ट फोर और फाइव में भी बात की थी कि विशेषीकरण यानी आपने पता होगा कि हर इंसान के पास सारी क्वालिटी नहीं होती लेकिन हर इंसान के पास एक या दो ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिससे जो दूसरों से वो बेहतर कर सके यानी जैसे आपके फ्रेंड्स जितने भी होंगे उन सब में सबके पास क्वालिटीज़ नहीं होगी एक जैसी सपोज जैसे किसी की राइटिंग अच्छी होगी तो वो कोई लर्निंग में अच्छा होगा तो कोई किसी का वोकल्स अच्छे होंगे कम्युनिकेशन अच्छा होगा राइट तो हर किसी के अंदर एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है तो यहाँ पर क्या हम इस मीनिंग समझेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में स्पेशलाइजेशन का बहुत महत्व है क्यों बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू डेलीगेट एनी पावर टू अ पर्सन यू विल नॉट डायरेक्टली डेलीगेट बट यू विल सी दैट ही विल एबल टू डू दैट इज़ ही और शी इज़ हैविंग एबिलिटी स्किल्स ऑफ़ दैट एक्सीलेंस क्या उनके पास ये एबिलिटी है स्किल है कि जो काम उन्हें आप उन्हें सौंप रहे हैं क्या वो काम कर सकें और अंत में जो पाँचवा पॉइंट आता है वो है कोऑर्डिनेशन का ठीक है अपर से लोअर लेवल का अच्छा बन जाता है डेलीगेशन होने के कारण रिपोर्टिंग अच्छी होती है और स्कोप ऑफ एक्सपेंसन यानी जो कंपनी है वो आगे जाके भविष्य में और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी ग्रो करेगी तो बच्चों ये छः पॉइंट हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के याद रखने हैं आपको लुइस एलन की डेफिनेशन ये भी याद रखनी है वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है और कोऑर्डिनेशन के साथ कंपनी भी और एक्सपैंड होती है उसके बाद आखिरी जो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में था वो है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी राइट कि आपने देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है मिली हुई होती है वो है अकाउंटेबिलिटी ये नया वर्ड आपने देखा ठीक है पार्ट फाइव में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि वॉट एवर यू आर डूइंग मेंटेन द रिकॉर्ड विच मेक्स दैट योर वर्क इज़ ट्रूथफफुल एंड नोटवर्दी यानी हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि हर वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी मानी जाएगी और अथॉरिटी आपको पता है पावर जो कि टॉप टू बॉटम चलती है और रिस्पांसिबिलिटी मीन जिम्मेदारी जो कंपनी में बॉटम लाइन ऑफिसर टॉप लाइन ऑफिसर को देता है अकाउंटेबिलिटी ये वो रिपोर्ट्स हैं ये वो लिखित दस्तावेज़ हैं ठीक है जो भविष्य में जाकर फ्यूचर जनरेशन को काम में आएंगे तो ये तीन पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लीजिए ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिगार्डिंग कि एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है वो काम आप अच्छे से करें और जो भी काम आपको दिया जा रहा है यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर तरीके से आप परफॉर्म करवाएँ ठीक है ये आपकी जिम्मेदारी है सो इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट बताता है कंफर्मेंट ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि आपको पावर मिल गई है तो आप उसको पावर को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ठीक है उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है उसे कंपनी की फ्रूटफुलनेस और पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है जिससे क्या होगा कि कंपनी में आगे जाकर हो सके कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेसल हो और आपको अच्छा काम करने को मिले जैसे एग्जाम्पल इसमें मार्केटिंग मैनेजर का देखा था कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको कोई चीज़ परचेस करना है एक्सपेंडिचर करना है तो वो अपने से डिसीजन ले सकता है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी ये पॉइंट आपको बताता है इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी का वो यही आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इसका मतलब यही है कि आप बेहतर तरीके से अपने रिपोर्ट्स को तैयार करिए वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ दैट एंड इफ़ यू विल नॉट कीप दैट इट कैन इन फ्यूचर अगर आपको सेम प्रॉब्लम्स आती है तो आपके पास एक पहले से सब कुछ रीड तैयार होगा जैसे आप एग्ज़ाम्स के लिए भी करते हैं कि आप कुछ नोट्स बनाते हैं ठीक है आपने बनाए होंगे एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपने नोट्स खुद के वो जो नोट्स होते हैं उसको वो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाते हैं कंपेयर टू रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है तो ये अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उतनी ज़रूरी है कि जो भी उनके अंदर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं अलग अलग लेवल्स पर उन्हें आप नोट डाउन करते जाएँ और उनके नोट्स को बनाकर रखें रिपोर्ट्स को बना के रखें ताकि क्या हो कि हर लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में अगर आती है तो उनको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन इन योर टाइम स्टे सेफ़ एट होम स्टे हेल्दी एट होम एंड बी हैप्पी एट होम i'm your educator gorowadhnik signing off today thank you so much